सब स्टार्ट कर रहे हैं कैरेट रेजिन लोफ, इसका वेरिएशन एप्पल लोफ। गाजर, जो गाजर मैंने 3/4 कप ग्रेटेड ली है, उसकी जगह पील्ड एप्पल को ग्रेट कर लोगे, एप्पल सिनेमन लोफ। क्लियर क्लियर? 3/4 कप ग्रेटेड कैरेट है, जब गाजर को घिसूंगी तब मैं 3/4 कप घिसा हुआ गाजर लूंगी, उसी की जगह एप्पल, अगर आप ग्रेटेड एप्पल 3/4 कप ले लोगे तो वो आपका एप्पल सिनेमन लोफ हो जाएगा, एग्जैक्टली सेम। और ये जो बनाना केक होते हैं वो डिफरेंट होता है, वो हम कप केक से क्लास में कराते हैं। हाँ, लेवल करो करेंगे। अब इसमें डालो बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। ये लो बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर देखो 1 टीस्पून दिया होगा, कोई भी ले लो 1 टीस्पून, ये है डन। बेकिंग सोडा 1/8 मतलब 1/4 का भी आता है। This I'll do, ना 1/4 का आधा ले लिया, 1/8 इसमें गया बेकिंग सोडा। नेक्स्ट इसमें जाएगा सिनेमन पाउडर। सिनेमन पाउडर मार्केट में भी मिलता है, घर का लेना चाहो घर का ले लो। सिनेमन पाउडर 1/2 टीस्पून काट के 1 टीस्पून कर दो, अगर 1/2 टीस्पून लिखा है तो। दिस इज माय पर्सनल चॉइस, सिनेमन का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। आपको कम पसंद है तो आप हाफ रहने दो। अब आप इसे सीव करो, सीव इट। ठीक है, अब इसके बाद इसमें देखो लिखा हुआ है कैरेट ग्रेटेड 3/4 कप। ठीक है, 3/4 कप ले लेंगे तो 1/2 कप + 1/4 कप ले ले, तो ये कैरेट जो है ये 1/2 कप ले लिया और ये 1/4 कप ही होगा। ठीक है, ये 1/4 कप, ये ड्राई इंग्रेडिएंट में क्यों डाल रही हो, क्यों डाल रही हो करिश्मा? जैसे नट्स वाला काम करते थे ना, इवनली मिक्स हो जाए, उसी तरीके से। अच्छा, ये जो रेजिन्स की बात कर रही हूँ तो इसमें रेजिन्स ब्लैक रेजिन्स की बात कर रही हूँ। ठीक है, ग्रीन रेजिन्स नहीं डालेंगे, ब्लैक रेजिन्स की बात कर रही हूँ। आप चाहो तो डालो, आप नहीं चाहो तो नहीं डालो। मार्केट में जो खाया हुआ है वो कैरेट रेजिन्स लोफ ही खाया हुआ। ठीक है, सो 1 टेबल स्पून रेजिन्स। काली किशमिश केक्स में होती नहीं है जनरली, अगर थोड़ा ज़्यादा डालना चाहो थोड़ा ज़्यादा भी डालो, थोड़ा सा डालो। जो काले द्राक्ष होते वही है ना? क्या है? ग्रेप्स ऐसे होते हैं, जब आप इसे सोक करोगे तब फूलेंगे। ग्रेप्स की तो किशमिश बनती है। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड ब्लैक करंट्स। अच्छा, ये क्या है? नहीं, ये काली किशमिश, ये ब्लैक रेजिन्स या ब्लैक करंट्स ही है। इसे जब पानी में भिगोगे तब ही बड़ा होगा। मुनक्का है? नहीं नहीं, मुनक्का इज डिफरेंट। ठीक है, नहीं मुनक्के का कोई काम भी नहीं आता है, मुनक्के का कोई काम नहीं आता। काम तो इस क्या फ्रूट क्या रहे नहीं, इस बस इस दिस केक इज नॉट नो नीड। ये काली किशमिशी कहते हैं, ये किशमिशी है, इट्स अ ड्राई फ्रूट ओनली। अच्छा, हाँ ड्राई फ्रूट है, ये माइल्ड होती है। ग्रीन किशमिश जनरली केक्स में नहीं अच्छी लगती, वो मीठी ज़्यादा होती है। डाल सकते हो, अदरवाइज आप इसमें है ना कुछ भी मत डालो तो भी चलेगा। कैरेट ही का फ्लेवर, कैरेट सिनेमन का भी अच्छा लगता है। ठीक है, ये मेरा ड्राई इंग्रेडिएंट्स रेडी हो गया, ये मैंने एक तरफ रख दिया। नाउ कम ब्लैक रेजिन्स 1 टेबलस्पून सोक लिखा। ठीक है, मैंने सोक निकाला डाल दिया मैंने ऐसे।
ठीक है। नाउ कम टू द वेट इंग्रेडिएंट्स, उसमें बटर देखो, बटर कितना दिया हुआ है, हाफ कप और 100 ग्राम, हाफ कप और 100 ग्राम मेल्टेड, ठीक है। तो आप ले लो इसमें 100 ग्राम्स ले लो, 100 ग्राम्स लो ना, अगर आप हाँ कोई बात नहीं, अगर आप हाफ कप लोगे तो मेल्टेड लोगे, पहले आप मेल्ट करोगे फिर उसे मेजर करोगे हाफ कप, वरना आप 100 ग्राम की टिक्की पूरी डाल देना और उसे माइक्रोवेव कर देना, एक ही बात है, ठीक है। अभी मैं क्या कर रही हूँ, 100 ग्राम बटर लेके इसे माइक्रोवेव कर दूंगी, ठीक है। उसके बाद क्या डालना है हमें, शुगर मेजर करो जब तक, ये रेसिपी मिल्क में इसके साथ होगी, देखो मैंने केक के लिए कुछ नहीं करना, कोई ये जो केक है उल्टा लगा हुआ, ये ऐसे ही निकल गया है, ये शुगर, अगर आपने ज्यादा गलती से माइक्रोवेव चला दिया है इन दैट केस इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना। मैंने 10 सेकंड चलाया, हाथ लगा के देखोगे बिल्कुल भी कोई वार्म फीलिंग नहीं आएगी आपको, क्लियर। ये दो ब्राउन शुगर, हाँ आपको इसमें कैरमलाइज, वो देखो केक का कलर देखो, क्योंकि उसमें हमने ब्राउन शुगर डाली थी, आपने बोला था ना 1/4 का ब्राउन डाल दो, अगर यही मैं व्हाइट डालती ना तो थोड़ा येलोइश साइड पे आता, सेम विद दिस केक ऑल्सो, अगर आप ब्राउन शुगर डालोगे तो ये कलर आएगा, व्हाइट शुगर डालोगे तो थोड़ा सा येलोइश कलर आएगा। शुगर 2 टेबलस्पून, टेबलस्पून इज दिस वन, हनी की जगह कैरमल सिरप डाल सकते हो, या फिर शुगर, नहीं शुगर का काफी रहने देना, वो एक ग्लेज के लिए, हनी या कैरमल सिरप इज फॉर द ग्लेज इन दिस केक, अगर नहीं है तो रहने देना, ठीक है। कंडेंस मिल्क कितना दिया हुआ है, तो 1/4 दो बार ले लूंगी तो हाफ कप हो जाएगा, पूरा पूरा भरो, वन फोर्थ अगेन, स्पैटुला से निकाल लो, ओके। अब ये मेरा घर का कैरमल सिरप बना हुआ है, वरना मार्केट में देखा है ना वो हर्शीज वाला भी आता है, या फिर हनी ले लो, कंप्लीटली अप टू यू, नहीं लेना कुछ स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। तो 2 टीस्पून दिया हुआ है, 1 टीस्पून प्लस 1 टीस्पून, दैट्स इट। बीटर से चला दो एक बार श्वेता, सब कुछ गया, कुछ नहीं करना, बस मिक्स करना है, डालना मिक्स कर दो, शुगर को कैरमलाइज करते हैं, फिर बनता है, शुगर को फिगर में लेंगे नॉनस्टिक पैन, इसमें मिल्क कितना दिया हुआ है, 1/4 कप। अच्छा इसमें देखो एप्रोक्स लिखा होगा, एप्रोक्स क्यों लिखा है, गाजर की वजह से, जब विंटर्स में ये केक बनाते हैं तो मैं यूज करती हूँ रेड वाले कैरेट्स, रेड वाले कैरेट्स एवरीबॉडी नोज इज वेरी जूसी एज कम्पेयर टू ये ऑरेंज वाले कैरेट्स, तो जब आप गाजर ग्रेट करोगे उसका पानी नहीं निकालोगे, जब रेड वाले कैरेट भी लोगे, इन दैट केस जब हम रेड वाले कैरेट्स यूज करते हैं तो मिल्क कम लगता है, बट ये ऑरेंज वाले कैरेट्स बहुत ड्राई होते हैं, इन दैट केस मिल्क थोड़ा ज़्यादा लगता है, इसलिए अप्रॉक्स लिखा हुआ है। तो आपका कितना दिया हुआ है,
तो अभी ये 1/4 कप तो चला ही चला जाएगा, उसके बाद देखते हैं कितना और जाता है। मिक्स कढ़ाई पर बीटर से देन ऐड द ड्राई इंग्रेडिएंट्स। डाल दिया मैंने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसमें। इसके बाद एक बार पहले मिक्स कर लेंगे, और इवनली मिक्स करने के लिए आप एक बार बीटर चला लेंगे इसमें। इजी रेसिपी है ना, ड्राई इन वन बोल, वेट इन वन बोल, जस्ट कंबाइन इट एंड बेक इट। हल्का सा एक बार बीटर चला लो। गाजर को आपको ग्रेट ही करना है, आप मिक्सी में नहीं इसको ही प्यूरी फोटो बनानी है। गाजर जब मुंह में आती है ना, बहुत अच्छा लगता है बेक होने के बाद, वो तो फिर आपकी प्यूरी बन गई। ठीक है, दिस इज डन। सो ऑरेंज वाले कैरेट्स में 1/4 कप हमारा मिल्क लग गया आराम से, उसमें कम लगेगा। ठीक है, रेड वाले कैरेट्स में कैरेट है ना, जितना लिखा है उतना ही लिया है। उसमें कब बनाया था, स्पाइस फ्रूट में 1/4 कप नट्स थे, पर आधे कप से भी ऊपर चले गए थे हमारे फूड। ऊपर से डालना चाहो तो थोड़े से ब्लैक करंट और डालो, या कोई और नट्स जो आपके घर में पसंद हो वो आता है। ठीक है, तो ये आपका कैरेट रेजिन स्लो अवन में जाने के लिए रेडी। सो राइट साइड ऑफ पैन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट।